बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। सो क्लास, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। प्रीवियसली वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर नंबर 8 एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इट मीन्स दैट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। वॉट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल the thing which we are going to discuss in today's class, we are going to discuss the four topics. Okay, these are the four topics which we are going to discuss inshallah. But before starting the properties of the matter, we should know that what is matter. Okay, matter ko aap chapter start karne se pehle, matter ki properties ko padhne se pehle, hame ye baat pata honi chahiye ki matter hota kya hai. Theek hai, to matter basically जो है मैटर का डायरेक्टली जो कंसर्न होता है वो उसके मास से होता है और वो कितनी जगह लेता है। ठीक है, इट मीन्स इट्स वॉल्यूम। तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच आर द डायरेक्ट प्रॉपर्टीज एंड दीज टू प्रॉपर्टीज आर बेसिकली द डायरेक्ट कंसर्न विद द मैटर। इन दो प्रॉपर्टीज का मैटर के साथ डायरेक्ट कंसर्न होता है। एक मास उसका, कि हर मैटर का मास होगा, हर मैटर एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सो दीज टू आर द बेसिकली डायरेक्टली प्रॉपर्टीज। नाउ इसके अलावा जो अदर प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ड्राइव प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि उनको किसी ना किसी तरह से जो है वो ड्राइव किया जाता है, तो जो है वो प्रॉपर्टीज आती हैं। अब उन ड्राइव प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? डेंसिटी है, प्रेशर है, गैस प्रेशर ऑफ अ गैस है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर द ड्राइव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं क्या नाम है, इन हाउ मेनी स्टेट्स द मैटर एग्जिस्ट। मैटर कितनी स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है? वी ऑल नो वेरी वेल, जब हम लोग प्राइमरी लेवल से ही बात की, हम लोग को पता है कि दे आर द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। द फर्स्ट स्टेट इज द सॉलिड एंड द सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस। मैटर तीन स्टेट्स के अंदर जो है वो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड सॉलिड व्हाट हैपन्स, कि सॉलिड बॉडीज या सॉलिड मटेरियल होते हैं तो उसमें क्या होता है? सॉलिड बॉडीज में ही होता है क्या? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉलिड बॉडी, तो उसका जो शेप होता है, उसकी जो शेप होता है तो वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, सॉलिड शेप का, सॉलिड मटेरियल्स का जो है शेप जो है वो फिक्स होता है। इस शेप फिक्स होने की वजह से उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। यू कैन रीड द फर्स्ट लाइन, द सॉलिड बॉडीज हैव फिक्स वॉल्यूम एंड हैव फिक्स शेप। ठीक है, सो बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स के पास का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। इन बॉडीज, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। और सॉलिड मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, इसके डिफरेंट जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। दीज आर टोटली पैक्ड विद ईच अदर, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ओके, बिल्कुल भी इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, मतलब इनको हिलने, इनके पास जो मूवमेंट के लिए भी कोई जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब इट मीन्स दैट इन सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी मच स्ट्रांग। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इनका फिक्स शेप होता है और फिक्स साइज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हिल नहीं सकते, मॉलिक्यूल्स के पास हिलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहेंगे और जो है वो फिक्स शेप और फिक्स साइज में होगा। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड बॉडी इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। अगैन जो मॉलिक्यूल्स के, इसके जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्पेस कि वो कहीं मूव करें। ठीक है, तो ये मूव तो नहीं कर सकते, बट ये अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट जरूर हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज सॉलिड मॉलिक्यूल्स बेसिकली जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो ये सिर्फ अपनी पोजीशन, मेन पोजीशन पर रहकर वाइब्रेट रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं और अपनी पोजीशन को लीव भी नहीं कर सकते। अगैन लीव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ज्यादा पैक्ड है मॉलिक्यूल। ओके, नाउ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज फिक्स। क्या कह रहे हैं? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉलिड बॉडी के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स कह लें या मॉलिक्यूल्स कह लें, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। फिक्स होता है तभी तो ये हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते थे, दे कैन जस्ट वाइब्रेट। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड मटेरियल। नाउ यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड एंड देन गैस। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट
लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता है. फिक्स वॉल्यूम कैसे होता है, आप इसको किसी भी कंटेनर में लिक्विड को डाल दें वो वही अपना जो है वो शेप बना लेता है. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन जो है वो शेप फिक्स नहीं होता. ठीक है, कि जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा. दे अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का शेप अपना अडॉप्ट कर लेते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट इन सॉलिड्स. अब मैं अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं इन लिक्विड्स, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स के. सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स यहाँ पे स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इनसाइड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड. अगैन, क्योंकि इनका जो है फिक्स शेप नहीं है तो इनके और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. सो दीज मॉलिक्यूल्स कैन मूव इनसाइड द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड. लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड मेंटेन देयर लेवल. अगैन, लिक्विड्स को लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और जो भी उनका लेवल वॉल्यूम का होता है वो उसको मेंटेन रखते हैं. ठीक है, गैसेस हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम और नॉर फिक्स शेप. अब गैसेस में क्या होता है, गैसेस का ना फिक्स वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होता है. गैसेस को आप किसी कहीं भी लेकर जाएं वो ना ही वो उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा ना ही कोई फिक्स शेप होगा. इसके आप एग्जांपल ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास परफ्यूम है, आपने रूम में जो है वो परफ्यूम का स्प्रे किया. ठीक है, या फिर रूम स्प्रे आपने किया तो आप देखेंगे आप कहेंगे आप वो स्प्रे करेंगे एक कॉर्नर पे लेकिन कुछ टाइम मतलब कुछ सेकंड्स में ही दूसरे कॉर्नर तक उसकी खुशबू आ जाती है. वाई, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स उनको जितनी स्पेस मिले जितना वॉल्यूम मिले वो उतना ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, दे कैन ऑक्यूपाई एनी स्पेस अवेलेबल टू देम. उनको जितनी स्पेस देते हैं वो सब ऑक्यूपाई कर लेते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल. अगेन, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से स्प्रेड हो जाते हैं तो इसलिए यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ कि मतलब ना होने के बराबर है, इतनी छोटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबली स्मॉल, इतनी ज्यादा छोटी कि वी डोंट कंसिडर इट, वी नेग्लेक्टेड. दिस इज द रीजन वाई द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. तो इसीलिए कहा जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, उनको जितनी भी स्पेस दी जाए और जो भी उनकी वेलोसिटी हो. ठीक है, तो इन जनरल स्टेट मैं ये कह सकती हूँ कि स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. तो मैं ये कह सकती हूँ मैटर की जितनी स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं. नो मैटर इज फाउंड इन द सेम स्टेट एट ऑल टेम्परेचर. ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक ही टेम्परेचर पर पाए जाते हो. नो, तीनों जो है मैटर के स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं. वी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग अ सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ वाटर. इसको मैं आपको वाटर की एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ. एट एन ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर इन अ कंट्री वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. जब मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूँ तो वाटर जो है किस स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है. ठीक है, आप वाटर का कोई भी ग्लास ऑफ वाटर ले लें और आप उसको रूम क्या नाम है अपने रूम में रख दें तो आप देखेंगे वो लिक्विड स्टेट में होगा. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर है उसके सराउंडिंग पे. इफ द वाटर इज कूल डाउन टू 0°C, अब आप क्या करें उस वाटर को लेकर फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख दें. यू विल सी डेट कि कुछ टाइम के बाद वो वाटर अब लिक्विड नहीं रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू करेगा. और जब आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसको फ्रिज में रख देंगे या फ्रीजर में रख देंगे इट विल बिकम आइस. ठीक है, वो आइस बन जाता है. However, if water at room temperature is heated at 100°C, तो ये एक वाटर की एक स्टेट लिक्विड हो गई एक सॉलिड हो गई. अब मैं वाटर को अगर हीट करना शुरू हूँ इट मीन्स इफ आई विल बॉयल द वाटर. अगर मैं वाटर को बॉयल करूंगी तो क्या होता है कि वाटर वेपराइज होना शुरू जाता है, मतलब स्टीम की फॉर्म में वेपर्स की फॉर्म में वो जो है वो एवोपरेट होना शुरू जाता है. ठीक है, और आप अगर इसकी एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि अगर आपने कोई भी एक किसी भी एक बाउल में किसी भी कंटेनर में आपने जो है वो वाटर लिया और आपने उसको बॉयल करने के लिए रखा तो आप देखें आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जाएगा. व्हाट्स द रीजन, क्योंकि पानी जो है वो उसका जो लिक्विड है वो बेसिकली एवोपरेट हो रहा है. ठीक है, उड़ रहा है, जिसकी वजह से वो किस स्टेट में चला गया, गैस स्टेट में चला गया. चेंजेस इन टू स्टीम, ठीक है, विच इज द गैसियस स्टेट. नाउ मैटर इज ऑल्सो फाउंड इन अ फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा. ये एक मैटर की ऐसी स्टेट है जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है. यह हम जो है वो क्या नाम है नाइन मैट्रिक लेवल पे ही डिस्कस करते हैं इस स्टेट को. मैटर की एक स्टेट होती है प्लाज्मा. ठीक है,
दिस इज एन आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की एक आयोनाइज स्टेट होती है। इन द मोस्ट जनरल सेंस अ प्लाज्मा इज एनी स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन्स इनफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स फॉर इट्स डायनेमिकल बिहेवियर टू बी गवर्न बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये एक मैटर की वो स्टेट होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो डील की जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इस स्टेट के अंदर आयोनाइज पार्टिकल्स होते हैं। आयोनाइज का मतलब ये होता है कि फ्रीली चार्ज होते हैं वो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। थर्स इट इनकम्पासिस द सॉलिड सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एंड सेमी कंडक्टर्स फॉल इन दिस इंटू दिस कैटेगरी। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन्स की जो कि मेटल के अंदर होते हैं और सेमी कंडक्टर्स की, तो ये दोनों बेसिकली किस कैटेगरी में लाए करते हैं, ये प्लाज्मा वाली कैटेगरी में लाए करते हैं। ठीक है, हाउएवर प्लाज्मा इज लार्जली कंटेन विद आयोनाइज गैसेस। अगैन प्लाज्मा जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयोनाइज गैसेस का एक लार्ज अमाउंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा में। नाउ हियर वी आर डन विद द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके लिए पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, देन यू विल गेट इट। मैंने इस इलास्टिसिटी के वर्ड को चैप्टर नंबर 8 में भी कहीं ना कहीं यूज किया था। ठीक है, देयर आर पर्टिकुलर सब्सटेंसेस विच अंडर गो द चेंज इन शेप और साइज। यहाँ हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो अपना शेप या साइज चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो चेंज कर लेते हैं तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉल है, मैंने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स लगाई। ठीक है, नॉर्मल हैंड की फोर्स से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बॉल पे बहुत ज़्यादा कोई फोर्स लगाऊं, किसी को प्रेशर दूं, तो क्या होगा कि वो बॉल जो है वो फट जाएगी। ठीक है, तो अब वो डिफॉर्मेशन हो गई ना, मतलब वो दोबारा से अपनी उस स्टेट में तो वापस नहीं आ सकती है वो बॉल। जब एक बार बॉल जब फट गई तो इट मीन्स डैट इट कैन नॉट कम बैक विद इट्स ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो कि बॉल की ओरिजिनल स्टेट थी उस पर बॉल वापस नहीं आ सकती। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन, जब जो है कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस ना आ सके। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट टू देम एंड रीगेन देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं और बॉडी जो है वो अपनी बॉडी ने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है, अब मैंने इतनी ज्यादा फोर्स लगाई कि बॉडी ने शेप तो चेंज किया, लेकिन जैसे ही मैं वो फोर्स हटाऊं तो बॉडी दोबारा से अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाए, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी। तो ऐसी जो तमाम बॉडीज जो होती हैं जो अपने ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेती हैं, दोज बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज कहा जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक रबर बैंड ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक रबर बैंड है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस रबर बैंड को अभी तक तो मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, अब मैं क्या करूं, मैं एक साइड यहां से खींचना शुरू करूं और दूसरा मैं यहां से खींचना शुरू करूं, फोर्स तो लग रही है। ठीक है, अब जब मैंने इसको खींचा तो फॉर एग्जांपल इसका शेप ये हो गया, लेकिन इसके अंदर अब देखिए थोड़ा सा ये पहले से पतला हो गया क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी हुई है। अब मैं मजीद इसको खींचूं तो ये अब जो है वो ऐसा हो जाएगा और पतला हो जाएगा क्योंकि जिसका मास है वो फाइनली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इस पर मजीद और फोर्स लगाई तो वो ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसी बॉडी है जो जिस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये डिफॉर्म नहीं हो रही है, अभी तक ये डिफॉर्म नहीं हुई है। चाहिए मैंने इस पर फोर्स लगाई तो ये इतना हो गया, मैंने और जोर से इसको खींचा तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब तो ये अब मैं यहां से अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्स को स्किप करती हूँ, यहां तक मैंने फोर्स लगाई थी, अब मैं छोड़ देती हूँ उसको, जैसे ही छोड़ूंगी ये दोबारा से किस स्टेट में आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में। तो बेसिकली आई कॉल द रबर बैंड दैट रबर बैंड इज अ बॉडी विच इज एन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्यों है, क्योंकि इसने जैसे ही मैंने फोर्स लगाई तो इसने हमने चेंज द स्टेट की, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को छोड़ा तो इसने दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लिया। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इलास्टिक बॉडी। अब मैं इसी के अच्छा आप लोगों के एक जहन में ये चीज आ रही होगी कि मिस अगर मैं रबर बैंड को बहुत ज्यादा जोर से हम जब कभी खींचते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, जब बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड टूट जाती है, तो इसका मतलब उसकी जो इलास्टिक लिमिट थी वो जहां तक थी तो उसकी वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यू विल गेट टू नो इट अबाउट इट, कोई देर में आपकी बात पता चल जाएगी। अच्छा, सच बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज एंड देयर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी पॉजेस बाय देम। और ऐसी इलास्टिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी बॉडीज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या कहलाती हैं, इलास्टिसिटी कहलाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अ फोर्स इज अप्लाइड टू स्ट्रेच अ रबर बैंड, ये मैंने आपको एग्जाम्पल पूरी समझा दी, ठीक है। इफ अ बॉडी इज डिफॉर्म, मैंने कहा था कि अगर ये मैं इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाऊं कि ये डिफॉर्म हो जाए, मतलब ये रबर बैंड टूट जाए, तो तब क्या होगा। एंड इज कैप इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द अपेरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफॉर्म बॉडी इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो बेसिकली अब जब ये बॉडी टूट गई, फॉर एग्जाम्पल ये टू पीसेस में हो गई है मेरे पास, अब देखें ये तो एक पहले इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया, मतलब रेस्ट पोजीशन पर आ गई है ना ये। अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बेसिकली कौन सी फोर्स लगी थी, अपेरेंटली इसके ऊपर लगी थी एक्सटर्नल फोर्स। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी ना, इसकी इंटरनल फोर्स तो कोई भी नहीं लगी, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगी थी जिसकी वजह से ये बॉडी डिफॉर्म हो गई है। टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम द बॉडी मस्ट बी एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स अदर देन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कह रहे हैं बॉडी के ऊपर अगर आपने इतनी फोर्स लगानी है कि बॉडी डिफॉर्म ना हो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लगाई थी, बॉडी पे इतनी फोर्स लगे एक्सटर्नली, इतनी फोर्स लगे कि वो इंटरनल फोर्स को डिफॉर्म ना, मतलब जो इसकी इंटरनल फोर्स है उससे वो ओवरकम ना हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा ना हो और इंटरनल फोर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपने इतनी लगानी है कि बॉडी डिफॉर्मेशन की स्टेट में ना जाए, सही है। सो दिस इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द, अब जिसकी बॉडी की अपनी भी तो कोई इंटरनल फोर्स होगी ना, तो वो बड़ी होनी चाहिए, वो छोटी अगर हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स से तो इसका मतलब बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, सही है। बाहर की फोर्स अगर ज्यादा हो गई, दिस इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। और जो इंटरनल फोर्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो भी फोर्स लग रही होती है एक्टिंग पर यूनिट एरिया इंटरनली, द रिलेटेड डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। और जो बॉडी की डिफॉर्मेशन हो जाती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। फॉर एन इलास्टिक बॉडी, किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कॉन्स्टेंट। किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो क्या नाम है रेशियो होता है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होगा, रेशियो कहते हैं इसको डिवाइड करने को, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, एंड दैट विल बी द कॉन्स्टेंट फॉर एवरी बॉडी। मतलब हर इलास्टिक बॉडी के लिए अपना अपना एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ठीक है। नाउ दिस रिलेशन वॉज डिस्कवर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड इज नोन एज हुक्स लॉ। जो अभी मैंने आपको बताया ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वो क्या हमेशा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ये वाला रिलेशनशिप किसने निकाला था, ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक के नाम से, उन्होंने निकाला था, और उन्होंने अपने ही नाम पे एक इसका लॉ दे दिया था, विच इज हुक्स लॉ, विच स्टेट्स दैट फॉर एनी, अब इन्होंने इस पे स्टेटमेंट क्या दी थी, दिस इज द स्टेटमेंट, फॉर एनी इलास्टिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, सो वी कैन राइट, यही बात बोली थी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जब मैं स्ट्रेन को नीचे लेकर आऊंगी तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटता है तो क्या आता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस इज बेसिकली हुक्स लॉ। नाउ एज मेंशन अबव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रेस को डिफाइन किया था कि फोर्स पर यूनिट एरिया लगी थी, दैट इज बेसिकली द स्ट्रेस। सो जो फोर्स लगी थी, इफ एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, अगर मैं एफ को बोल दूं कि वो फोर्स है एंड ए स्टैंड्स फॉर एरिया, और ए को मैं क्या बोल दूं, एरिया बोल दूं, देन द स्ट्रेस इज गिवन एज, तो मैं स्ट्रेस को क्या बोलूंगी कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एफ अपॉन ए, तो स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन होगी, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला हो गया, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ एज वी नो डैट स्ट्रेन इज द रिलेटिव डिफॉर्मेशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रेन का जो ताल्लुक है वो बेसिकली डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मे बी द चेंज इन द लेंथ। अब डिफॉर्मेशन बॉडी का किसी भी शेप में हो सकता है, चाहे वो लेंथ में चेंज आए, चाहे वॉल्यूम में चेंज आए, या शेप में चेंज आए, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है डिफॉर्मेशन के बाद, चाहे वो लेंथ है वॉल्यूम है, दैट इज बेसिकली द स्ट्रेन। सो वी लिमिट अवर सेल्फ विद द चेंज इन द लेंथ। अब हम यहाँ पे कंसिडर करें कि हमारी बॉडी का जो चेंज आएगा, अज्यूम हम ये करें कि हमारी बॉडी का सिर्फ चेंज आएगा किस में आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर लेंथ में सिर्फ चेंज आएगा तो एल बॉडी की क्या थी, ओरिजिनल लेंथ, चेंज आने के बाद मतलब डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी टूट गई ना, अब उसकी जो लेंथ का चेंज आया वो कितना है, डेल एल, मतलब चेंज इन एल। तो मैं क्या कहूंगी, इसकी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगी, जो उसके ऊपर स्ट्रेन लग रहा था, दैट इज बेसिकली चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, जो बॉडी का चेंज आया लेंथ में वो अपॉन में
लेंथ आ जाएगा. नाउ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस. एक और क्या चीज होती है, इस स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस कहलाता है. ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक बस नाम है. यंग्स मॉडुलस बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यंग्स का वाई से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे स्ट्रेस है. लॉन्गिट्यूडनल क्यों कह रहे हैं, पहले ही बताएं, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की वजह से कह रहे हैं. ठीक है, तो स्ट्रेस की जगह पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला विच इज एफ अपॉन ए, तो स्ट्रेस की जगह पे एफ अपॉन लिख देंगे. लॉन्गिट्यूडनल की जगह पे क्या आ जाएगा, चेंज इन एल अपॉन एल आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चेंज इन एल अपॉन एल. अब आप क्या करेंगे, ये एफ अपॉन ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, चेंज इन एल अपॉन एल, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, एफ अपॉन ए चेंज इन एल अपॉन एल. ठीक है, तो एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन चेंज इन एल. देखिए ये डिवाइड का साइन है, जब ये डिवाइड के साइन के आगे वाली चीज डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका जो आगे टर्म होगी वो इन्वर्स हो जाएगी, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर. तो यहाँ पे एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू चेंज इन एल आ जाएगी, देख लें. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास किसकी भी इक्वेशन आ गई, यंग्स मॉडुलस की भी इक्वेशन आ गई. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, और इस चेंज इन लेंथ का भी यूनिट क्या होगा मीटर. तो मीटर मीटर तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडुलस. और अगर आपको एक और चीज बताऊं, तो स्ट्रेस का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर. लेकिन अगर स्ट्रेन का यूनिट बोलो तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज सेइंग दैट इसका कोई यूनिट नहीं है, तो मतलब ये कांस्टेंट होगा. तो डेल एल अपॉन एल, मीटर अपॉन मीटर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा. सो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द डिफरेंट क्वांटिटीज ओवर हियर. द फर्स्ट वन वाज स्ट्रेस, हुक्स लॉ, पहले के हुक्स लॉ की स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए, देन स्ट्रेस, देन स्ट्रेन, एंड देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड देन द यंग्स मॉडुलस. ओके ओके, सो नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज दैट हुक्स लॉ इज ओबेड अप टू अ लिमिट, सर्टेन लिमिट. अब हुक्स लॉ भी मैंने कहा था कि एक लिमिट तक जो है वो मतलब एप्लीकेबल होगा. कौन सी लिमिट है, वो इलास्टिक लिमिट होती है. अब इलास्टिक लिमिट होती क्या है, डैट इज देयर इज सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस. अब आप मतलब स्ट्रेस का मतलब आप एक सर्टेन लिमिट तक फोर्स लगाएंगे ना रबर बैंड पे तो वो नहीं टूटेगी, लेकिन आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगा दी तो इसका मतलब वो जो रबर बैंड था वो क्या होगा, टूट जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा. जब वो डिफॉर्म होगा तो इसका मतलब उसने तो अपना शेप ही चेंज कर लिया. इट मीन्स डैट वो लिमिट कि जब मतलब रबर बैंड की वो लिमिट जहां पे वो ना टूटे, मैक्सिमम लिमिट हो उसकी. मैं मतलब मैक्सिमम फोर्स लगा दी मैंने और मैक्सिमम लिमिट के अब अगर इसके बाद मजीद फोर्स लगेगी तो वो रबर बैंड टूट जाएगा. तो वो जो लिमिट होती है डैट इज बेसिकली द इलास्टिक लिमिट. तो इस तरह से हर मटेरियल की एक अपनी अपनी इलास्टिक लिमिट होती है. विच डीफॉर्म्स अ बॉडी बियॉन्ड विच द बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. वही बात के रबर बैंड की वो लिमिट जहां पे वो डिफॉर्म ना हो. ठीक है, मैक्सिमम वो लिमिट कि जहां पे वो रबर बैंड डिफॉर्म ना हो, डैट इज बेसिकली द इलास्टिक लिमिट. और अगर मतलब उस फोर्स के उसकी वो लिमिट आ गई और अगर आपने मजीद फोर्स लगाई तो क्या होगा, रबर बैंड एक टाइम आएगा टूट जाएगी अगर उसके उस लिमिट के बाद अगर फोर्स लगती है. दिस मीन्स डैट अ बॉडी रिटेन्स इट्स इलास्टिसिटी अपॉन अ सर्टेन लिमिट. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलास्टिक बॉडी होगी वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक रिटेन रखेगी, उसके बाद वो इलास्टिसिटी उसमें नहीं रहेगी बॉडी में. एंड हुक्स लॉ इज ओबेड फॉर अ सर्टेन मटेरियल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस. इफ द स्ट्रेस एक्सीड्स द मैक्सिमम वैल्यू अगैन, स्ट्रेस की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, देन द बॉडी विल परमानेंटली डिफॉर्म. तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, परमानेंटली टूट जाएगी. इट कैन नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. वही बात की बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस नहीं आ सकेगी. द बॉडी इज सेट टू हैव क्रॉस द इलास्टिक लिमिट अगैन, कि बॉडी की अपनी बॉडी इलास्टिक लिमिट अपनी क्रॉस कर देगी अगर मजीद अगर फोर्स लगी. हियर वी गिव अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द इलास्टिक लिमिट फॉर सम मटेरियल. यहाँ पे आपको कुछ नेक्स्ट पेज पे टेबल गिवन है जिसमें आपको यंग्स मॉडुलस और इलास्टिक लिमिट्स की कुछ मटेरियल की वैल्यूज गिवन है. लेट मी शो यू ओवर हियर.
यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे ये कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है, इसकी आपको यंग्स मॉड्यूलस और इलास्टिस लिमिट दी गई है, ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक विच वी हैव डन राइट नाउ. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या होती है, मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया, अगेन वी विल डू इट. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू विद इन विच द बॉडी एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी. के बॉडी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी इमिट करे, मतलब उसके अंदर रिटेन रहे, लेकिन अगर वो मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर जाती है, ठीक है, मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद भी अगर फोर्स लगती है तो बॉडी विल बी डिफॉर्म बिलो द इलास्टिक लिमिट. जब तक इलास्टिक लिमिट नहीं आई द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट. बॉडी तब तक, जब जब आप बॉडी की इलास्टिक लिमिट नहीं आई, आपने फोर्स छोड़ी, बॉडी दोबारा से अपनी जो है वो ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेगी. लेकिन अगर जो है बॉडी की इलास्टिक लिमिट आ गई और आप मजीद फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी विल गो अंडर द स्टेट ऑफ द डिफॉर्मेशन. इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स. वही बात आ गई कि ओरिजिनल स्टेट वो रीगेन कर लेगी, चाहे वो शेप हो या साइज हो उसका, जब फोर्स हटेगी तब. बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अब मतलब कि इलास्टिक लिमिट को अब वो क्रॉस कर गया, ठीक है, द बॉडी डज नॉट रीगेन कम्प्लीटली इट्स ओरिजिनल स्टेट. तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर सकेगी. इट्स लाइक द कि जो हमारा रबन टूट गया है, अब मैं फोर्स ना लगाऊं तो रबन दोबारा से तो नहीं जुड़ सकता है ना खुद से. तो सेम लाइक डैट वैन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव. देखिए अब तो मैंने फोर्स छोड़ दिया, अब तो मैं नहीं लगा रही रबन पर फोर्स, लेकिन अब फायदा नहीं है क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई थी, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हम चले गए थे, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज. आई होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास का जो लेक्चर था वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.